30 यूरो का, ठीक है। ये दो सिंगल बेड्स हैं और यहाँ से ये व्यू है वही सामने जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा था। ये चलते चलते शवरमा कबाब एक नज़र आया है, ये प्राइसेस भी लिखी हुई है, 7 यूरो का है, 7.5 यूरो का है, बकलावा भी है। वाह, तुर्किश हर जगह पहले हुए यूरोप में, आपको हर जगह नज़र आते हैं। वो डोनर कबाब लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंगली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी है। अभी एक मैंने फाइंड किया है गूगल पे, तो अभी जाके। अच्छा दोस्तों, मटका रेस्टोरेंट में समझ नहीं आया मेन्यू उनका, हालांकि प्राइस उनकी भी तकरीबन इसी तरह है, लेकिन यहाँ पे यार ये भाई मिले हैं अजरबैजान से, इनका ताल्लुक है, तो ये मैंने इनसे लिया है शवरमा सिर्फ 6 यूरो में। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एक और बार यूरोप के ट्रिप से। इस वक्त मैं हूँ जी इस्टोनिया का जो कैपिटल है तलिन, उसके अंदर हूँ। ये बैकग्राउंड में आप सिटी सेंटर देख रहे हो। अभी बस स्टेशन से यहाँ आया हूँ फिनलैंड से फेरी लेके, तो अभी जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा, कल यहाँ से जाऊँगा। आप देख सकते हो ये पीछे बसेस वगैरह, यहाँ पर ट्रेन भी चलती है। ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाह रहा था न्यू, लेकिन मैंने कहा यार चले ये भी एक शेंगन एरिया का मेंबर है, यूरोप का कंट्री है, तो बना लेता हूँ। यहाँ जो है ना इस कंट्री के अंदर अभी मैं ढूंढ रहा हूँ अपना होटल रूम या हॉस्टल, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चीप होगा। एस्टोनिया आपको पता है, आपने सुना होगा, ई रेजिडेंसी के हवाले से भी काफ़ी मशहूर है। जब हम लोग ऑनलाइन काम करते थे ना, तो हमें यहाँ पर बहुत इसकी एडवर्टाइजमेंट चलती थी कि यहाँ पर रेजिडेंट कार्ड बनता है, अगर आप वहाँ से अप्लाई करते हो तो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के हवाले से, ऑनलाइन सर्विसेज के हवाले से काफ़ी मशहूर है, मतलब एस्टोनिया जो कंट्री है। और ये बाल्टिक रीजन के अंदर है, पहले ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था, रशिया का हिस्सा था, लेकिन फिर ये अलग हो कि यूरोप के यूरोपियन यूनियन का भी अभी हिस्सा है, शेंगन एरिया का भी है, नाटो का भी मेम्बर है। और यहाँ पर हमें मिलेगा जो है ना रशियन जो वो है ना आर्किटेक्चर है वो भी मिलेगा, और यूरोपियन भी मिलेगा जो जदीद, अभी जैसे पीछे बैकग्राउंड में ये आप देख सकते हो जदीद बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी। अभी थोड़ी देर में मैं आपको लेकर जाऊंगा, पहले रूम जाता हूं, रूम आपको दिखाऊंगा, उसके बाद जो है एक राउंड मारूंगा और हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ है। सिटी सेंटर है ये बिल्कुल, उसके करीब ही ये मैंने एक होटल हॉस्टल ढूँढा है, इसमें जाता हूँ चेक इन करने के बाद जो है फिर घूमने जाते हैं। और यहाँ की जो ऑफिशियल करेंसी है वो यूरो है, कंट्री नंबर 80 है ये मेरा। और ऑफिशियल करेंसी के अलावा यहाँ सिम कार्ड वही मेरा चल रहा है जो मैंने एम्स्टरडेम नीदरलैंड में लिया था, ये बड़ी अच्छी बात है। उसके अलावा जो है ये कंट्री चीप है काफ़ी, क्योंकि फिनलैंड और नॉर्वे तो बहुत एक्सपेंसिव थे। अभी एक हॉस्टल है, अंदर जाता हूँ देखता हूँ कि कितने का है रूम और है भी या नहीं है। अच्छा भाई लोग, ये रूम मिला है यहाँ पर एस्टोनिया में 30 यूरो का, ठीक है। ये दो सिंगल बेड्स हैं और यहाँ से ये व्यू है वही सामने जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा था, उधर का व्यू है ये नीचे। और इसमें बस ये कि बाथरूम शेयरिंग पे है और रूम जो है प्राइवेट है। अभी जिस खातून से मैंने बात की है ना, जो ये रूम मुझे दे रही थी, रिसेप्शन पे बैठी हुई थी, तो उसको इंग्लिश नहीं आ रही थी और रशियन वगैरह में बात कर रही थी और यहाँ की जो लैंग्वेज है, तो इससे पता चला कि आप अंदाज़ा कर सकते हो कि सिटी सेंटर में हॉस्टल है और लैंग्वेज इंग्लिश उनको नहीं आती, ट्रांसलेटर यूज़ कर रही थी। और यहाँ के लोग भी रशियंस की तरह, शक्ल से भी उनकी तरह लगते हैं और ज़ुबान भी उनकी तरह तकरीबन है। तो रूम तो काफ़ी अचीब है 30 यूरो में, क्योंकि अभी दूसरे फिनलैंड और नॉर्वे वगैरह में तो इतने में जो है ना हॉस्टल में एक बेड नहीं मिलता, प्राइवेट रूम तो बड़ी बात है, ठीक है। तो अभी मैं बाहर जाता हूँ और देखते हैं कि बाहर क्या कुछ है। ये देखिए बिल्कुल हॉस्टल के बाहर जो है ना ये ट्रेम चल रही है और कोई जो है इसका टिकट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप डायरेक्टली इसमें जाके बैठ सकते हो। और ये है जी हॉस्टल जहाँ पे मैंने अभी रूम लिया है प्राइवेट, बिल्कुल ऐसा अबेंडेंट टाइप जो है हॉस्टल लग रहा है। अभी मैं थोड़ा सा वॉक करता हूँ, शाम का टाइम है ये सिटी के अंदर, और देखते हैं कि ये क्या कुछ है। थोड़ा खाना भी चाहिए यार, थोड़ा भूख लगी हुई है। और
ये वेट कर रहा है सिग्नल का, ये जो चल पड़ा है ये ट्रेम एक उधर से आ रहा है, बिल्कुल इस्तांबुल याद आ जाता है, इस्तांबुल के की तरह जो है ना ये ट्रेम्स है, आप देख सकते हो। और साथ में बसेस भी चल रही है, ये यहाँ की सिटी बसेस है। और ये है जी सिटी सेंटर, आई डोंट नो कि सिटी सेंटर है या नहीं, लेकिन बिल्डिंग ये वगैरह तो बहुत वो लग रही है, न्यू मॉडर्न बिल्डिंग्स लग रही है। ओ ये लोग बस ये लगे हुए रोड्स वगैरह बना रहे हैं और काम में लगे हुए, ये देखिए बिल्कुल न्यू 0 मीटर रोड्स बन रही है। ये वाली बिल्डिंग पुरानी लग रही है, सामने 1954 लिखा हुआ है इसके ऊपर। वाह वाह जी वाह, क्या बात है यार, ये बिल्डिंग है तो चेक करो, बिल्कुल न्यूयॉर्क वाला जो है सीन लग रहा है, या दुबई की तरह दोहा वगैरह। ये देखिए सामने स्विस होटल है, बिल्कुल लैंडमार्क बिल्डिंग है, राइट। ये मेरे ख्याल से शॉपिंग मॉल है, क्योंकि ब्रांड्स वगैरह जो है उनकी लोगोज लगे हुए, और साथ यहाँ पे ऊपर MBC है इंडिया की, बिल्डिंग के अंदर ही है, देखिए MBC ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, आपको जूम करके देता हूँ। तो ये है जी एस्टोनिया का कैपिटल तलेन, ये देखिए SEB बिल्डिंग। यहाँ पे IT का ना बहुत ज़्यादा वो होता है, IT सर्विसेज के हवाले से ये एस्टोनिया बहुत मशहूर है, बहुत पहले से मैं जानता हूँ, और इन्होंने बहुत काम किया है इस हवाले से। तो ये डाउनटाउन का एरिया लग रहा है, जिस तरह की ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह दिख रहा है और जो बिल्डिंग वगैरह है, तो ये इलाका जो है डाउनटाउन का लग रहा है मुझे। मुझे कोई रेस्टोरेंट नज़र नहीं आया है अभी तक, मैंने खैर इतना वॉक भी नहीं किया, जस्ट 5 मिनट वॉक किया है, लेकिन मैं कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे कुछ खाने को मिल जाए। मोबाइल में चेक करूँगा, अभी तक मोबाइल मैंने नहीं निकाला है। और हैरत की बात यह कि छोटा सा कंट्री है और ये शेंगन एरिया का भी मेम्बर है और यूरोपियन यूनियन का भी मेम्बर है, हालाँकि यहाँ सिटी सेंटर से निकल के ना बहुत पुराना ओल्ड सिटी है, यानी कि बहुत सारी जगहें जो है अभी तक नहीं बनी हुई है। ये कार देख लो, ये कितनी पुरानी कार ये बंदा चला रहा है, अंदाज़ा लगाओ। लेकिन वाकई में इन्होंने जो स्काई स्क्रैपर्स बनाए हैं ना, ये खूबसूरत टावर्स, ये वाकई कमाल किया है इन्होंने। ये देख लो कितना ज़बरदस्त सीन है यहाँ, अंदाज़ा कर सकते हो, इतनी शानदार बिल्डिंग्स जो है ना बहुत कम यूरोपियन सिटीज़ में आपको नज़र आएंगी। व्हाट इज़ दिस कैसीनो, ये देखिए कैसीनो, अगर जुआ खेलना है तो एक कैसीनो में जा सकते हो, फिर नेक्स्ट नाम है इसका। और ये कैफ़े है, कैफेन के नाम से। ये शॉपिंग मॉल्स वगैरह है यहाँ पे, ऊपर ये फिटनेस जिम बना हुआ है, लोग वर्जिश कर रहे हैं, वर्जिश ज़रूरी है भाई, आप भी करें। और वाह जी वाह, ये स्ट्रीट यूरोपा एक्सपीरियंस। लेकिन खामोशी है, लोग नहीं हैं, बिल्डिंगें हैं, सब कुछ है, खूबसूरत भी है, लेकिन नोबडी इज़ देयर ब्रो, नोबडी इज़ देयर। खूबसूरती की इंतहा है, सब कुछ है, लेकिन इंसान बहुत कम है। अच्छा ये जो तलेन सिटी है ना, इसका जो मशहूर है वो ओल्ड पार्ट है, यहाँ से जो जहाँ पे मैंने हॉस्टल लिया है यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है वो, तो वहाँ पे सारे अट्रैक्शंस और हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। अभी ये थोड़ी देर जो मैंने वॉक किया है ना, बैकग्राउंड में एक डोनर नज़र आया है तुर्किश,
तुर्किश हर जगह पहले हुए यूरोप में, आपको हर जगह नज़र आते हैं। वो डोनर कबाब लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंगली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी है। अभी एक मैंने फाइंड किया है गूगल पे, तो अभी जाके वहाँ भी देखते हैं कि वहाँ क्या मिल रहा है, नहीं तो ये तुर्किश जो है ना डोनर तो ऑलरेडी मिल गया है मुझे। एक मज़े की बात आप देख सकते हो, ऐसा लगता है जैसे पूरा सिटी जो है ना ये इन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ये सारे रोड मोड बन रहे हैं, हर जगह पे ब्लॉकेज है, ये देख सकते हैं आप सिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है भाई। ख्याल से इस तरफ भी ये काम चल रहा है, इधर भी चल रहा है, हर तरफ काम ही काम। एक शॉपिंग मॉल सामने और एक ये वाला है फॉरम, और फॉरम के बिल्कुल सामने है मटका। मटका क्या है जी? मटका है रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट है, एक तारीखी बिल्डिंग के अंदर बना हुआ है मटका। मटका ये देखिए मटका, वाह। मटका जो है, मटका के प्राइसेस चेक करो, मसाला कड़ी और बिरयानी और ये सारे, ये है जी मटका, वही रेट से सारे 10 यूरो के एक डिश है। वाओ मटका। ये चलते चलते शवारमा कबाब एक नज़र आया है, और ये प्राइसेस भी लिखी हुई है, 7 यूरो का है, 7.5 यूरो का है, बकलावा भी है, वाओ। अच्छा दोस्तों, मटका रेस्टोरेंट में समझ नहीं आया मेन्यू उनका, हालांकि प्राइस उनकी भी तकरीबन इसी तरह है, लेकिन यहाँ पे यार ये भाई मिले हैं अज़रबैजान से, इनका ताल्लुक है, तो ये मैंने इनसे लिया है शवारमा सिर्फ 6 यूरो में, और ये जो है ना वो भी लिया है मैंने, आयरन भी लिया है, और इनका इनकी प्राइस बहुत नॉर्मल है। ये आप देख सकते हो शवारमा वगैरह कबाब वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है, सिंपल सा ज़बरदस्त फूड है। इस अदन ने अलेक्सेंडर ममनून ऑलदम तनिश मज़ा है चेन, तो ये है थोड़ा सा तुर्किश मुझे भी आती है और इनको भी आती है, तो बड़ा मज़ा आया सर, थैंक यू सो मच यू है बकलावा ऑल्सो राइट। तो ये जगह जगह ये बने हुए, तो ये कहा कि फिर होटल वापस जाऊँगा। लंबी जर्नी है भाई अभी तक चल रही है, और अभी जो है हम लोग लिथुआनिया में हैं, और पूरा जंगलात है, एस्टोनिया में भी जंगलात थे, लेटविया में भी जंगलात, दोनों तरफ